खबरों की प्लेट तैयार है, गुड न्यूज का मेन्यू। हेलो, मैं हूँ आपके साथ गुंजन। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। लंच टाइम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे। किन्हीं खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग न्यूज के साथ। बिहार जातिगत जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 6 अक्टूबर को सुनवाई। जाति सर्वे के बाद आज नीतीश कैबिनेट की पहली सर्वदलीय बैठक, बैठक में लोगों की आर्थिक रिपोर्ट भी जारी करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, दोनों राज्यों को 30,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। जम्मू के पास रजौरी में आतंक पर प्रहार, सुरक्षा बलों ने 3 दहशतगर्दों की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। एशियन गेम्स के 10वें दिन भारत ने कैनो डबल 1000 मीटर में ब्रॉन्ज जीता, अब तक 13 गोल्ड मेडल के साथ भारत के खाते में 61 मेडल। और लंच टाइम में सबसे पहले बात आतंक पर प्रहार की। जम्मू के रजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। कालाकोट इलाके में बीती रात से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हो रही है, जिसके बाद जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाशी का अभियान तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि जंगल वाले इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जवानों को मौके पर भेजा गया। ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश की जा रही है। इससे पहले कोकरनाग में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाकर लश्कर ए तैयबा के कमांडर उजैर खान समेत सभी आतंकियों को मार गिराया था। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट क्षेत्र के तत्तापानी इलाके में। इस समय हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और यहीं इस क्षेत्र में एक भीषण मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो घना जंगल है, इन्हीं जंगलों में बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। और यहाँ पर भी आप इस समय देख सकते हैं कि ये आउटर कॉर्डन में CRPF के जवान तैनात है। दरअसल ये एक साझा अभियान है जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF जो है शामिल है और कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ कार्य कर रहे हैं। और प्राथमिकता यही है कि जो आतंकवादी जंगल में छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। दरअसल कल दोपहर को सुरक्षा बलों को एक स्पेसिफिक इनपुट आता है कि इस क्षेत्र में जो वन क्षेत्र है यहाँ पर कालाकोट का, यहाँ पर कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। उसके बाद एक गहन तलाशी अभियान चलता है इस पूरे क्षेत्र में, चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा बल पहुंच जाते हैं और एक गहन तलाशी अभियान चलता है। और देर रात को यह खबर आती है कि सुरक्षा बल आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने में सफल हुए हैं और उसके बाद यहां पर भीषण मुठभेड़ होती है और सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच यहां पर गोलीबारी होती है और भीषण मुठभेड़ शुरू हो जाती है कल देर रात को। फिर मध्य रात्रि के बाद कुछ समय तक फायरिंग जो है बंद हो गई, लेकिन आज सुबह जैसे ही सूरज निकला एक बार फिर से यहां पर गोलीबारी की आवाज सुनाई दी और अभी भी यहां पर रुक रुक कर गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। तो ये एक भीषण मुठभेड़ यहां पर चल रही है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट क्षेत्र में। क्योंकि इस क्षेत्र का भूगोल ऐसा है कि काफी चुनौतीपूर्ण बन जाता है आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना। आप देख सकते हैं कि जो पूरा क्षेत्र है घने जंगलों से घिरा है, ऊंचे पहाड़ हैं और इस तरह के क्षेत्र में एक आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना काफी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। और सुरक्षा बलों की कई अतिरिक्त टीम्स भी आई हैं जिनमें CRPF है, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है और साथ ही में भारतीय सेना की कई सारी टीम्स है। वो जंगल के आगे के इलाकों में भी गए हैं, वहां पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है और रुक रुक कर गोलीबारी की आवाज हम यहाँ पर सुन सकते हैं। फिलहाल आउटर कॉर्डन पर यहाँ पर CRPF के जवान तैनात है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, ग्राउंड जीरो, राजौरी, जम्मू कश्मीर। हिंद की हवाई सुरक्षा का एक और सिपाह सलाहकार वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। सफल परीक्षण के बाद अब अस्त्र मिसाइल को वायुसेना में शामिल करने की तैयारी है। इस मिसाइल के आने के देश का आसमानी सुरक्षा कवच और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। सिर्फ अस्त्र मिसाइल ही नहीं, वायुसेना ने ऐसी तैयारी की है कि अगले 5 वर्षों में सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दुश्मनों को ढूंढकर नेस्त नाबूद करने का दम, हवा से हवा में मार करने वाली घातक मिसाइल, अस्त्र
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल वायुसेना का योद्धा बनने को तैयार। अगस्त के महीने में तेजस फाइटर से फायर इस मिसाइल ने जब अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। दुनिया को पता चल गया कि हिंदुस्तान अब अपने दम पर सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि मिसाइल दागने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट भी बना सकता है। ये वो घातक जुगलबंदी है जो देश के दुश्मनों की नींद उड़ा सकती है। इस कामयाबी के साथ ही अस्त्र मिसाइल की क्षमता पर भी मुहर लग गई और ये तय हो गया कि बहुत जल्द ये मिसाइल वायुसेना में शामिल होने को तैयार है। अस्त्र मिसाइल के MK-1 वर्जन के पास वायुसेना का सिपहसालार बनने की सारी खूबियां हैं। सूत्रों की माने तो वायुसेना 200 अस्त्र MK-1 मिसाइल ऑर्डर कर सकती है। अस्त्र MK-1 अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। फायर होने के बाद इसकी रफ्तार 5,556 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर है। इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है। टारगेट के रास्ता बदलने पर भी ये उसका पीछा करती है। इसका वजन 154 किलो है। इसका वॉरहेड 15 किलो का होता है। इसकी लंबाई 12.6 फीट है। फाइटर ऑप्टिक नेविगेशन सिस्टम की वजह से इस मिसाइल को फायर करने के बाद भी इसकी दिशा को बदला जा सकता है। फिलहाल ये मिसाइल MiG-29, MiG-29K, Sukhoi-30 MKI और तेजस में तैनात की जा सकती है। खास बात यह है कि अस्त्र मिसाइल के MK-2 वर्जन पर भी तेजी से काम चल रहा है। भविष्य में बनने वाली मिसाइलों को और घातक बनाने के साथ साथ उनकी रेंज बढ़ाने पर भी काम चल रहा है। अस्त्र मिसाइल के नए वर्जन की रेंज 350 किलोमीटर तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वायुसेना अब हिंदुस्तान का हवाई सुरक्षा कवच और मजबूत करने में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अगले 5 साल में वायुसेना ने करीब 3,00,000 करोड़ के डिफेंस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसमें करीब 1,20,000 करोड़ में 180 तेजस मार्क 1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। Sukhoi-30 MKI को अपग्रेड करने पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इस अपग्रेड की जिम्मेदारी संभालेगी। अपग्रेड के बाद सुखोई विमान 5th जनरेशन की क्षमता वाले फाइटर जेट बन जाएंगे। हमला करने के साथ साथ देश के सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को स्वदेशी तकनीक से तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे स्पाई प्लेन भी तैयार किए जाएंगे जो बड़ी खामोशी से दुश्मन के इलाके में दाखिल होकर दुश्मनों की हर हरकत पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। वायुसेना की ये तैयारियां बताती हैं कि सेना भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी पुख्ता करना चाहती है। इन तैयारियों के दम पर हिंद की सेना देश को हर खतरे से महफूज रखने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन के खिलाफ भारत ने एक ऐसी रणनीति बनाई है कि चीन के एक्शन से पहले ही भारत का रिएक्शन होगा। हिंदुस्तान ने चीनी सरहद पर खुफिया अधिकारियों को तैनात करने का प्लान बनाया है। बकायदा उनके लिए पोस्ट भी बनाई जाएगी जिससे वो चीन की नापाक हरकत पर पल पल की खबर रखेंगे। उसके मुताबिक ही तैयार होगा भारत का एक्शन प्लान। अब चीन की हर हरकत पर होगी पैनी नजर। ड्रैगन की हर चालाकी का होगा हिस्सा। लाल सेना की हर साजिश का मुंहतोड़ मिलेगा जवाब। चीन की चालबाजियों का पहले से जवाब होगा तैयार। LAC इस पार हो या LAC उस पार, चीन की किसी भी हिमाकत की हर खबर होगी अब हिंदुस्तान के पास। चीन के किसी भी कदम पर समय रहते भारत करेगा प्लान ऑफ एक्शन तैयार, ताकि चीन गुस्ताखी करने से पहले कई बार सोचे। दरअसल भारत चीन सीमा यानी LAC पर खुफिया अधिकारियों की टीम तैनात की जाएगी,
केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए एलएसी पर इंटेलिजेंस पोस्ट यानी बीआईपी बनाया जाएगा। ये पोस्ट इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी की चौकियों पर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक बनाई जाएगी। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि हर बीआईपी पर ब्यूरो के 4 से 5 अधिकारी तैनात रहेंगे और आईटीबीपी के जवान उनकी सुरक्षा करेंगे। ये अधिकारी एलएसी पार चल रही गतिविधियों पर नजर रखेंगे और सीनियर ऑफिसर्स और सरकार तक हर खबर शेयर करेंगे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सीमांत गांव मागो से होगी। मागो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के चुना सेक्टर में चीन की सीमा के करीब पहला गांव है। इस गांव में 2020 में एक ऑल टेरेन मोटर रोड बनाई गई थी। ये सड़क हर मौसम में खुली रहती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ती चीनी गतिविधियों और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अतिक्रमण को देखते हुए यह कदम बेहद खास माना जा रहा है। भारत और चीन की सीमा करीब 3,500 किलोमीटर लंबी है। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख की सीमा जो 1,597 किलोमीटर लंबी है, मध्य सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो 545 किलोमीटर लंबी है, पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो 1,346 किलोमीटर लंबी है। भारत चीन सरहद पर आईटीबीपी की करीब 180 चौकियां हैं और 45 नई चौकियां बनाए जाने की मंजूरी मिल चुकी है। भारत चीन सीमा पूरी तरह से निर्धारित नहीं है, इसी का फायदा उठाकर चीनी सैनिक अक्सर घुसपैठ करते रहते हैं। चीन की ऐसी ही हरकतों को देखकर केंद्र सरकार चीन को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए रणनीति बनाती रहती है, जिसकी वजह से अब चीन दुस्साहस करने से पहले सोचता है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 नई बटालियन और बॉर्डर बेस बनाने की मंजूरी दी थी, जिससे आईटीबीपी में 9,400 सुरक्षा कर्मियों की बढ़ोतरी हुई है। इन 7 में से 4 तैनाती के लिए तैयार हैं, बाकी 3 बटालियन को 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने न केवल एलएसी पर अपने बुनियादी ढांचे में सुधार किया है, बल्कि सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए योजनाएं भी शुरू की हैं। इन्हीं में से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके तहत सीमांत गांवों में भी विकास की बयार बह रही है, यानी बॉर्डर भी सुरक्षित, लोगों को आधुनिक सुविधाएं भी मिल रही हैं। आज हमारा बॉर्डर बहुत ही सुरक्षित है और बॉर्डर में रहने वाले हमारे जो आम जनता है और हमारे फोर्सेस के लोग, सबको सुविधा मिला हुआ है। भारत ने गलवान में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक नई सड़क भी बनाई है। ये सड़क एलएसी से काफी दूर है, इसलिए इसे चीन की पीएलए बॉर्डर पार से नहीं देख सकेगी। नुब्रा वैली के सासोमा से दौलत बेग ओल्डी तक 130 किलोमीटर लंबी ये सड़क भी बन रही है, जिसका काम इस साल नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। दिसंबर 2024 तक इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास वाले इलाकों में सोमवार को गांधी जयंती के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तवांग में हुए इस कार्यक्रम में नेता, अभिनेता और जवानों की जुगलबंदी देखने को मिली। आईटीबीपी के जवानों ने मंच पर अपना हुनर दिखाया तो राज्य के मुख्यमंत्री ने गायकी से समा बांध दिया। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा की मौजूदगी ने जवानों का जोश 4 गुना बढ़ा दिया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू अरुणाचल तवांग का दौरा करने के लिए पहुंचे और इस दौरे में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अभिनेता रणदीप हुड्डा भी उनके साथ में थे। वहां इन तीनों ने भारत चीन सीमा के पास तैनात आईटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवानों के साथ मिलकर फिल्मी गीत भी गाए।
और इस बीच अभिनेता रणदीप हुड्डा ने आईटीबीपी जवानों के साथ लोकगीतों पर जमकर डांस किया। रणदीप हुड्डा जल्द स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म में नजर आएंगे। इसी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में वो अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आदित्य L1 अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही हर दिन के साथ सफलता का नया मुकाम हासिल करता जा रहा है। आदित्य L1 को 15 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करनी है और जब तक वो 9.2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पूरी कर चुका है, इसरो को उम्मीद है कि आदित्य अपने लक्ष्य पर 2024 के जनवरी के पहले हफ्ते में पहुंचकर दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगा। Have a confirmation of Aditya L1 separation. 2 सितंबर को लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 लगातार अपने मुकाम की ओर सफलता के साथ बढ़ता ही जा रहा है और अब तक 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुका है और उम्मीद की जा रही है कि 2024 जनवरी के पहले हफ्ते में ये लैंग्वेज पॉइंट L1 पर पहुंच जाएगा। Aditya L1, now it has almost crossed the full influence of the earth around 9.2 lakh kilometer, and it is going towards Aditya Sanath L1 point, and it will be around January first week we will be able to insert it into the halo orbit around the L1. धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 पॉइंट हैं जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाती है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो आसानी से उस पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। L1 पॉइंट इज एक्चुअली एन इमेजिनरी पॉइंट एंड इट इज इट्स नॉट लाइक अ प्लैनेट लाइक एज यू सी आवर चंद्रयान और मार्स मिशन। इट्स अ विक्शीज पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द टू बिग बॉडीज विल कैंसिल ईच अदर एंड वी विल बी एबल टू बैलेंस इट अराउंड इट बिकॉज वी कैन नॉट गो इन द पॉइंट बिकॉज इट्स अ विक्शीज पॉइंट सो वी कैन गो अराउंड दैट बाय बैलेंसिंग द टू फोर्सेस अराउंड दैट। जिस पॉइंट पर आदित्य L1 को पहुंचना है वहां ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उस जगह से सूर्य का अध्ययन आसान माना जाता है और सूर्य पर 24/7 नजर रखी जा सकती है। दिस पॉइंट बिकॉज इट्स अ पॉइंट वेयर यू कैन ऑब्जर्व द सन 24/7 एंड बिकॉज द पॉइंट आल्सो मूव्स अलोंग विद द अर्थ सो कंटीन्यूअसली यू विल बी व्यूइंग द सन सो दैट वी कैन हैव अ मोर स्टडी टाइम बिकॉज इफ यू हैव अ लो अर्थ ऑर्बिट इट विल हैव एक्लिप्स एंड एवरी ऑर्बिट यू विल नॉट बी एबल टू सी द सन। This here it is a stable orbit where you can always view the sun in the same conditions. सूर्य मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 को करीब 4 महीने तक सफर करना है, जिसमें से अभी केवल 1 महीने का वक्त ही पूरा हुआ है। वैज्ञानिक इसके सफर पर लगातार नजर रखे हुए हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब ये मिशन निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचेगा और अपना काम शुरू करेगा और फिर सूर्य के उन रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा जिससे इंसान अनजान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। करीब 3 महीने बाद कालका शिमला टॉय ट्रेन की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। हिमाचल में कुदरती आपदा की वजह से ट्रैक को भारी नुकसान पहुंचा था जिससे टॉय ट्रेन सेवा रोक दी गई थी, लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद टॉय ट्रेन ने फिर से फराटा भरना शुरू कर दिया है। करीब 3 महीने बाद छुक छुक करती कालका शिमला टॉय ट्रेन फिर से चल पड़ी। सोमवार शाम करीब 50 यात्रियों के साथ टॉय ट्रेन कालका से शिमला पहुंची। इनमें करीब 20 विदेशी सैलानी भी थे। शिमला पहुंचे पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर उन्हें करीब 85 दिनों बाद रोमांच के सफर पर निकलने का मौका जो मिला था। बचपन से हमने सपना देखा था कि टॉय ट्रेन में जाएंगे, मूवीज में देखा था, लेकिन एडवेंचर भी रहा, थोड़ा डर लग रहा था, बट बहुत ही खुशी है कि रेलवेज का ये इतना मेहनत सफल हुआ। किसी का ठिकाना नहीं हमारी। कई सारी टनल लगी और उन्होंने जो बताया था कि 102-103 टनल पड़ेंगे वो अच्छी सी लगी। मानसून सीजन में भारी बरसात हुई, आपदा के दौरान कालका शिमला रेलवे यात्रा भी प्रभावित हुई थी।
ट्रैक को नुकसान होने की वजह से ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया था। कालका से शिमला तक के ट्रैक की कुल लंबाई 96 किलोमीटर की है। इस रास्ते में पहले कुल 103 सुरंगें थी, अब ये घटकर 102 ही रह गई हैं, क्योंकि एक सुरंग अब ढह गई है। अब जबकि हालात सामान्य हो चुके हैं तो टॉय ट्रेन ने फिर से फराटा भरना शुरू कर दिया है। कालका शिमला रेल लाइन के बहाल होने के साथ ही शिमला के पर्यटन में अब फिर बहार आने की संभावना बढ़ गई है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक ट्रक ड्राइवर के बेटे ने अपनी बड़ी पहचान बनाई है। अपनी मेहनत और लगन के बूते पर जय चौधरी नाम के युवा ने लंदन तक का सफर तय कर लिया है। सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप योजना के तहत जय को हायर एजुकेशन के लिए लंदन भेजा गया। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। चंद्रपुर के बल्लारपुर शहर की इस दलित बस्ती में जय चौधरी अब यूथ आइकन है। अपनी मेहनत और लगन के बूते जय ने वो मुकाम हासिल किया है जिसका सपना हिंदुस्तान का हर युवा देखता है। बड़ी बात यह है कि जय ने ये तब कर दिखाया जब परिवार की माली हालत ऐसी नहीं कि उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। पिता पेशे से ट्रक ड्राइवर है, कमाई और खर्च से तालमेल कैसे बैठता होगा समझना मुश्किल नहीं। यही वजह है कि जय ने इस हालात को बदलने की पहल अपने दोस्तों के साथ एक संस्था धे फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जिसके जरिए उन्होंने पंचशील एकेडमी शुरू की। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने बस्ती के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी इस कोशिश का फल ये हुआ कि सरकार ने उनका चयन राजश्री साहू महाराज स्कॉलरशिप योजना के तहत किया। इसमें उन्हें उच्च शिक्षा के लिए एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड में पढ़ने भेजा गया है। बल्लारपुर की बस्ती में जय किसी स्टार से कम नहीं है। दसवीं की पढ़ाई सर्वोदय विद्यालय बल्लारपुर, बारहवीं की पढ़ाई हैदराबाद और कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग चंद्रपुर करने के बाद उन्होंने अब विदेश की जमीन पर कदम रख दिया है। हालांकि इस दौरान उन्हें कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए इनके पिता भरत ने जी तोड़ परिश्रम किया। जय अपनी सफलता का क्रेडिट भी अपने माता पिता को देते हैं। शिक्षणाच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवणारे पालक मिळाल्याबद्दल मी खूप आनंदी आहे। त्यांच्या अतुलनीय पाठिंब्याने आणि त्यागामुळे मला माझ्या आयुष्यात या टप्प्यावर येण्याची एक संधी मिळाली। जिद्द आणि कठोर परिश्रमाने स्वप्ने सत्यात उतरू शकतात, या गोष्टीवरती आता माझ्या आई वडिलांचा एक विश्वास झाला आहे। बाबा साहब आंबेडकर को अपना आदर्श मानने वाले जय दुनिया की टॉप 15 यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। जाहिर है जिस पिता ने अपने बच्चे को ये मुकाम दिलाने के लिए ओवर टाइम किया, दिन रात एक कर दिया, उसका सीना गर्व से आज चौड़ा है, ये बताते हुए कि उनका बेटा शुरू से ही अंग्रेजी में बहुत अच्छा था। बहुत से छोटे बच्चों को जो काले कॉलेज के स्टूडेंट है उनको इंग्लिश पढ़ाता था, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स लेता था वो। बहुत से वो कोई जो इंटरव्यू क्रैक नहीं करते क्या, उसके लिए वो बताता था कि बाबा कैसे करना है इंटरव्यू क्रैक, इसके बारे में कैसी इंग्लिश तुमको बात करना है, कैसी यानी कोई क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में उनको सब बताता था। बहरहाल जय चौधरी ने एक बार फिर ये साबित कर दिखाया है कि किसी को मुकम्मल जिंदगी नहीं मिलती, लेकिन उसे मुकम्मल बनाया जा सकता है मेहनत के बूते। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिंदगी आशाओं और उम्मीदों का नाम है, फिर जब भगवान की कृपा हो तो चमत्कार भी होते हैं। मुंबई और सूरत के परिवारों से भला बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है जो अपने लाडलों को खो चुके थे। उम्मीद थी कि वापस से वो बच्चे मिल पाएंगे, लेकिन उम्मीद की डोर भी धीरे धीरे छूटती गई। गणपति बप्पा ने इन सभी लोगों की मुराद सुनी और वो कर दिया जिसने एक बार फिर से इस परिवार की खुशियां लौटा दी।
समंदर के बीच पानी की लहरों से जूझते इस बच्चे को भगवान गणेश ने नहीं समझा। वो ऐसे कि विसर्जन के बाद नहाने गया ये बच्चा दुर्घटना में लहरों के बीच पहुंच गया, जहां एक गणेश प्रतिमा के सहारे ये बच्चा पानी के बीच अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ता रहा। फिर वही ना, जिसको स्वयं पप्पा ने सहारा दिया हो तो भला उसका बाल बाका कौन कर सकता है। कुछ यही हुआ इस बच्चे के साथ। ये घटना सूरत शहर की है। 29 सितंबर को हुई इस घटना को परिवार के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। जिस तरह ये बच्चा अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहा था, परिवार के लोग बेबस हो चुके थे। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब इसे बचाया भी जा सकता है, लेकिन जिसने जिंदगी दी है तो मारने का फैसला भी वही करेगा। ये बच्चा 24 घंटे उसी समंदर की लहरों में फंसा रहा। आखिरकार 24 घंटे बाद यमराज ने भी इस बच्चे का पीछा छोड़ दिया और इस बच्चे के साहस को नमन कर चले गए। बच्चा समंदर की उन्हीं लहरों से हंसता खेलता लौट आया। ये परिवार के लिए एक चमत्कार ही रहा। तभी तो अपने बच्चे को सही सलामत पाकर भावनाएं बेकाबू होने लगी। फिलहाल बच्चे का सूरत के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वैसे सूरत के इस बच्चे के ही नहीं, पप्पा मुंबई के 22 उन बच्चों के भी सहारा बने जो विसर्जन या गणेश उत्सव के मौके पर अपने परिवार से पिछड़ गए थे। गिरगांव चौपाटी पर होने वाले विसर्जन के लिए पुलिस ने भारी भरकम इंतजाम किया, लेकिन फिर ये बच्चे किन्हीं कारणों से अपने माँ बाप से अलग हो गए, जिसके बाद इन्हें खोजने की जिम्मेदारी कांस्टेबल दीपाली कंडलकार और SI सूर्यकांत साठे को मिली, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए इन बच्चों के परिवार में मुस्कान दिखी। मुंबई का गिरगांव इलाका, जहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं गणपति विसर्जन के दरमियान, और ऐसे में घटनाएं भी होती हैं और जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवार से जुदा हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। मुंबई पुलिस जुर्म को तो काबू में करने की कोशिश करती है, ऐसे में विसर्जन के दरमियान जो बच्चे बिछड़ जाते हैं उनको ढूंढने के लिए भी यहाँ पर अलग टीम बनाई जाती है। इस बार भी मुंबई पुलिस के DB मार्ग पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल और ASI ने तकरीबन 22 बच्चों को रेस्क्यू किया, उनको ढूंढा और अपने परिवार से मिलाया। गायब हुए ज्यादातर बच्चों की उम्र 3 बरस से लेकर 14 बरस रही। कई बच्चे तो अपने माता पिता की जानकारी देने में सक्षम भी नहीं थे, लेकिन पुलिस ने जैसे तैसे परिवार के नंबर निकालकर इन्हें उनके सुपुर्द कर दिया। मुंबई पुलिस के लिए ये चुनौती हर साल विसर्जन पर आती है। बीते बरस ऐसे 31 गुमशुदा बच्चों को उनके माँ बाप तक पहुँचाया गया था। मुंबई से पारस दामा के साथ सूरत से संजय सिंह राठौर की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब रुक करते हैं कान्हा की नगरी मथुरा का, जहां बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ को काबू रखना बड़ी चुनौती थी। रविवार को शनिवार की छुट्टी के अलावा इस बार श्रद्धालुओं को सोमवार की छुट्टी बोनस के तौर पर मिली, जिसकी वजह से मथुरा की सड़कों की रफ्तार धीमी हो गई और वृंदावन की तंग गलियों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आस्था की महक से सराबोर हुआ बांके बिहारी का दरबार। जय श्री कृष्ण के उद्घोष से गूंजा बांके बिहारी का गलियारा। श्रद्धालुओं के आने से गुलजार हुआ मंदिर का कोना कोना। भारी भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा है। ना किसी को खुद की परवाह है, ना खुद के साथ आए लोगों की। बांके बिहारी मंदिर में पहुंचने के लिए यहां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिख रही है, लेकिन भीड़ है कि टस से मस नहीं हो रही है। दरअसल शनिवार रविवार के अलावा त्योहार वाले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार लगातार 3 दिनों की छुट्टियों ने कृष्ण भक्तों के लिए बोनस का काम किया।
सोमवार के दिन भारी संख्या में भक्त बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचे, जिसकी वजह से आसपास की तंग गलियों वाले इलाकों में हालात बिगड़ गए। जाम की स्थिति आज से नहीं, कम से कम 2 साल से बनी हुई है। मीटिंगों पर मीटिंग होती है, हर सड़क गणमान्य लोगों को बुलाकर वहाँ से व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं, पर मेरा मानना यह है कि जाम की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है। यहाँ के लोकल व्यक्ति तो जो मान लो घर के अंदर कैद हो गए, खाली दर्शनार्थियों की हितार्थ के जो भी काम हो रहा है। वृंदावन की सड़कों से लेकर बांके बिहारी के दरबार तक जाने वाले रास्तों पर लंबा जाम दिखा। बांके बिहारी मंदिर के द्वार तक पहुंचने वाले खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, जो काफी जद्दोजहद के बाद कान्हा के दर्शन कर पाने में सफल हुए, लेकिन ऐसी सफलता हर श्रद्धालु के भाग्य में नहीं लिखा होता। भारी भीड़ की वजह से मथुरा सड़क यातायात विभाग से लेकर मंदिर प्रशासन की तैयारी भीड़ की भेंट चढ़ गई। पुलिस प्रशासन की तैयारियों का कोई ठोस आधार नहीं दिखा, जिसका लाभ न इन श्रद्धालुओं को मिल सका। कोई भी श्रद्धालु कहीं से भी एंट्री लेता दिख रहा है। मंदिर के सेवायत गोस्वामियों की तैयारी समझ में आ रही है, न ही सड़क यातायात के नियमों का पालन दिख रहा है, जिसका सामना शहरवासियों को भी करना पड़ा। लेकिन भक्तों का उत्साह चरम पर है, जो कन्हैया की एक झलक के लिए उत्साहित दिखे। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें, देखते हैं आज का विचार। विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोने में ही सफलता है। और आज के लिए लंच टाइम में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज पर। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।